हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी रेसिपी को लाइक किया। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला खैर। आज मैं सिंपल सी फ्राइड फिश की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरी आधा किलो फिश है, मैंने सैल्मन फिश ली है। आप कोई भी फिश लेके इसको इसी तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन रेडी करेंगे। एक बाउल में 3 टेबल स्पून दही लेंगे। उसके बाद इसमें एक बड़ी नींबू का रस ऐड करेंगे, एक बड़ा लेमन जूस जो करीब 4 टेबल स्पून के करीब होगा, हाफ टी स्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे। चिली पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून काले मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टी स्पून चाट मसाला, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टी स्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और वैसे भी ठंड में अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है। आप चाहें तो अजवाइन को ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पे है। फिर इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टी स्पून कस्तूरी मेथी, जो सूखी कस्तूरी मेथी होती है, उसको ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें एक एक पीस फिश का डाल के उसको उस पर ये मिक्सचर लगा के उसको मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा मैरिनेशन मिक्सचर रेडी हो गया। अब एक एक फिश के पीसेस को आराम से इसमें कोट करेंगे। फिश थोड़ी डेलिकेट होती है तो इसे आराम से उठा के बाउल में रख के उसको उस पर अपना मिक्सचर कोट करके, ये देखिए इस तरह से आराम से उस पर फिश पे मिक्सचर कोट कर देंगे और उसको साइड में रख देंगे। इसी तरह से सारे पीसेस पे कोटिंग करके फिर सारी फिश को हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको सारा मिक्सचर एक साथ फिश पे लगाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सारे मिक्सचर को अपने पीसेस पे डाल दीजिए और उसको आराम से बस हल्के हाथ से लगाइएगा ताकि पीसेस टूटे नहीं। ये सारे पीसेस कोट हो गए, अब इसको हम 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। 15 मिनट के बाद एक पैन में कोई भी कुकिंग ऑयल लेंगे, उस कुकिंग ऑयल को हीट करेंगे। हीट करने के बाद एक एक पीस को आराम से इस ऑयल में डिप करके इसको मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, धीरे धीरे फ्राई करेंगे। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो उसका कलर तो चेंज हो जाएगा,
लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए आप उसको मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा। ये ऑयल हमारा हीट हो गया, अब इसमें देखिए स्लोली पीस हमने रख दिया, और जितने पीस आएंगे पैन में उतने ही रखेंगे, ये नहीं कि सारे एक साथ डाल दिए। ये फिश मैं बगैर किसी कोटिंग के फ्राई कर रही हूँ, इसमें मैंने किसी चीज़ की भी ना मैदे की ना बेसन की किसी की भी कोटिंग नहीं करी है, क्योंकि एक तो ये रीज़न है कि ये सैल्मन फिश है, ये ऑलरेडी इतनी हैवी इतनी रिच होती है कि इस पर और किसी चीज़ की कोटिंग लगाएंगे तो और ज़्यादा ये हैवी हो जाएगी। दूसरा ये है कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये फ़िश को हम अगर स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो ये आराम ऐसे ही बगैर किसी कोटिंग के एकदम क्रिस्पी फ्राई होगी। थोड़ी देर के बाद इसको हल्का सा उठा के चेक कर लेते हैं, अगर ये कलर इसका चेंज हो गया होगा तो फिर हम इसे पलट देते हैं। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको आराम से आहिस्ता से टर्न कर दें, पलट देते हैं, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरह से दूसरी फिश को भी, दूसरे पीस को भी हम पलट देंगे आहिस्ता से, बस जल्दबाजी में काम नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएंगे पीसेस। आराम से इसको आहिस्ता से पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए दोनों साइड पे, फिर हमारी फिश ये रेडी हो गई। जब दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको आप, अभी मैं आपको ये पीस दोनों साइड से दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा हुआ। ये एक साइड से कलर है, ये इसका दूसरा साइड का कलर है। ये इस तरह से आपको फ्राई करना है। अभी दूसरा पीस भी मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखिए गोल्डन ब्राउन, ये इस साइड से है एक साइड से और ये दूसरे साइड से, ये फिश हमारी एकदम रेडी हो गई। इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये फ्राइड फिश रेडी है, इसको आप चटनी से इंजॉय करिए। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए, हर बीमारी हर परेशानी हर मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।